नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं अभी हाथरस के पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार बैद जी के आवास पर हूँ और यहाँ पे प्रकृति प्रेमी विभा बैद मैम है और उनका प्रकृति में बहुत ही गहरा लगाव है। और आज संयोग भी है कि 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। तो मैम, आप इस दिवस के बारे में क्या कहना चाहेंगी? आज पर्यावरण दिवस है और सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं इस दिन के लिए। बहुत अच्छा दिन, क्योंकि कम से कम एक दिन हम लोग इस अवेयर होते हैं कि प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे कम से कम जैसे हरियाली ज़्यादा धरती पे बढ़े, इसकी आवश्यकता बहुत है। जिस तरह से हम सभी लोग गर्मी का सामना कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो रही है कि हम प्लांटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा और इसे और बढ़ाएं हम लोग जा। और आज हमने यहाँ पे भी पौधे लगाए हैं अपने लॉन में और हम सभी भी पुलिस लाइन में भी लगा कर अभी आ रहे हैं हम लोग। और इस तरह से मैं सभी से ये आग्रह करती हूँ कि सभी इसमें आगे बढ़ें, अपना एक कदम बढ़ाएं जी। और सिर्फ इस दिवस पे ही नहीं, ऐसे भी जीवन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जितनी हरियाली होगी टेम्परेचर उतना ही थोड़ा कंट्रोल में रहेगा और इतनी गर्मी का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। इस धरती को बचाने के लिए, हरा भरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी आगे आए, आप सभी योगदान दें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। बिल्कुल, आपकी बातें बहुत ही उपयोगी हैं मैम। और मैं देखा हूँ कि आप आज ही नहीं, आप बचपन से ही प्रकृति के प्रति आपका बहुत गहरा लगाव है और उसी का ये फल है कि आपको संगीत, कला, साहित्य और सामाजिक कार्यों में भी बहुत ही गहरी आपकी रुचि है। तो आप जीवन को कैसे देखती हैं, इन सब के प्रति रुचि होते हुए आप अपने जीवन को कैसे इस लोगों से थोड़ा अलग या प्रकृति के करीब ज़्यादा पाती हैं? हाँ, मुझे बचपन से ही बहुत लगाव है पेड़ पौधों से। और जब प्लांट छोटे से ग्रो करता है ना, तो मैं उसे देख के बहुत खुश होती हूँ उसकी ग्रोथ को देख करके। तो बचपन से ही मेरा जुड़ाव बहुत ज़्यादा रहा है। और प्रकृति की हम जितनी ज़्यादा देख रेख करते हैं, जितनी सेवा करते हैं, तो रिटर्न में भी हमें वो चीज़ मिलता है। इसे कई मैंने अपने जीवन में अनुभव किए हैं कि प्रकृति हमारी बहुत मदद करती है और हम सब की, हम प्रकृति का हिस्सा है, इससे अलग अपने आप को नहीं मान सकते हैं। तो हमें प्रकृति की देख रेख करनी नहीं, तो प्रकृति हमें रिटर्न में जस्ट बदले के रूप में कुछ और ही देती है। जैसे अभी हम लोग बहुत चीज़ें देख रहे हैं कि गर्मी और ये, तो हम जितना ज़्यादा देखभाल करेंगे प्रकृति की, वो हमारी देख रेख करेगी और हमारे अनुकूल वातावरण को रखेगी। नहीं तो प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ेगा हर किसी को और वो तकलीफ देगा बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जी प्रभु, कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी,